नमस्कार, टी डे विथ पावर कॉरिडोर्स में मैं पारिजात आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं हमारे एक विशेष अतिथि, दिल्ली के व्यवसायी भृगु वाधवा, और इनका परिचय देना चाहूँगा। जो सबसे अच्छा और सर्वोत्तम परिचय है, ये राष्ट्रवादी हैं और सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद के प्रखर स्तंभ हैं। तो जिस तरह से हमें अभी रुझान मिल रहे हैं, हम एक बार उसकी तरफ आपको ले चलें। एनडीए 304, यूपीए 117 और अन्य 96 पर है। मैं आपसे बात करूंगा कि राष्ट्रवाद जो आपका विषय है, मोदी का भी वही विषय है और मेरा भी वही विषय है, क्या राष्ट्रवाद इस चुनाव में मुद्दा है? राष्ट्रवाद के ऊपर ही सुमन जी ये चुनाव लड़ा गया था, और आप देखेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर चली, और मैं पुलवामा के मैं इंसिडेंट की बात नहीं करूँगा, जब डोकलाम हुआ था, जिस तरीके से हमारे भारतीय वीरों ने बॉर्डर पर जिस तरीके से चाइना के सोल्जर्स को जिस तरीके से जवाब दिया था, सामने खड़े हो गए थे, वो अपने में एक ऐतिहासिक, और वहीं से ही पता लग गया था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। राष्ट्रवाद की अगर आप बात करते हैं तो आज आप देखेंगे कि हर गली मोहल्ले में तिरंगा झंडा लहराता है। पहले मैंने इतने अपने शहर में अपना मैंने अपने देश में इतने तिरंगे नहीं देखे थे जितने आज मैं देखता हूँ। अगर आप कावड़ की बात करते हैं, अगर आप ईद में अगर कोई भी जुलूस वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें तिरंगा सबसे आगे होता है, अग्रसर होता है। बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से तो मैं शायद आज मुझे लगता है कि मैं भारतीय हूँ, और राष्ट्रवाद मेरे लिए एक अहम मुद्दा है आज की तारीख में, और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ जिस तरीके से वो हमारे भारत के संस्कारों को, हमारे राष्ट्रवाद को आगे लेकर चल रहे हैं, और भारतीय वीरों को तो मैं खैर तहे दिल से अपना सलाम करता हूँ। आपकी बातों से लगता है, जिससे मैं भी सहमत हूँ, हर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर है राष्ट्रवाद, जैसा कि आपने कहा। इस बार यही पूछना चाहा था मैंने आपसे कि मुद्दा क्या राष्ट्रवाद है, क्योंकि एक तरफ मोदी है और एक तरफ मोदी के विरोधी। मैं सुमन जी आपको एक बात बताता हूँ कि एक क्रांति पिक्चर आई थी मनोज कुमार जी की, उसके अंदर एक गाना था, अब के बरस तुझे धरती की रानी बना देंगे। बहुत सुंदर। तो जो बिसात जो बिछा दी गई थी ना 2014 में जी, उसकी शुरुआत, उसकी अग्रसर, उसकी शुरुआत अब ये 2019 से शुरू हो चुकी है। बहुत बढ़िया जी। कि इस बार तुझे हमें देखे, भारत माता को सोने की चिड़िया पे बिठाते थे हम लोग, ये सोने के शेरों पे बैठने जा रही है हमारी भारत माँ, और अभी इसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ये जीत राष्ट्रवाद की है, ये जीत हमारे भारत की है, हमारे भारत माता की है, हमारे शूर वीरों की है। इसमें कोई ध्रुवीकरण का इसमें कोई लेना देना नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, राष्ट्रवाद सर्वप्रथम है हमारे लिए। जब राष्ट्रवाद है तो फिर कोई समस्या नहीं, कोई जातिगत समस्या नहीं, कोई धार्मिक समस्या नहीं, कोई धार्मिक एकत्रीकरण नहीं, कोई जातिगत ध्रुवीकरण नहीं वोटों का, और किसी तरह की कोई वैमनस नहीं, विषमता नहीं। सबसे बड़ा सकारात्मक रूप है राष्ट्रवाद का, इसके आगे सारे वाद अर्थहीन है। जो हमारे मित्र बता रहे हैं भृगु वाधवा जी राष्ट्रवाद के बारे में, किसकी बिसात 2014 से मोदी के आगमन से डाल दी गई थी, और वो कारवां आज बढ़ रहा है 2019 में मोदी के आने के बाद, धरती की रानी कर देंगे भारत माता को। बहुत सुंदर बात आपने कही। हम लोगों को तो क्रांति पिक्चर मेरे ख्याल से 1980 में आई थी, तो लगभग 30-35 साल बीत चुके हैं, वाली बात आपने याद दिलाई, और कितनी सही तरह से आपने उसे प्रस्तुत किया। मैं तो आज भी उस पिक्चर को देखता हूँ, और आज भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो गाना जो है ना, अपने में इतना प्रभावशाली गाना है कि आज की, मैं अपने बेटे को गाना सुनाता हूँ, वो मैं कभी कैरियोके का शौक रखा है गीत गाने का, तो वो मेरा बेटा साथ में मेरा सुर में सुर मिलाता है, और वो जब कहता है ना कि अपना धरती की रानी बना देंगे तुझे, वो अपने अंदर इतना शोला निकाल देता है अंदर से कि मतलब मज़ा ही आ जाता है जी। ऐसा लगता है कि बस कुछ करने का मन करता है देश के लिए उसी वक्त ही। तो और मैं बात करूँगा, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये क्या चाहते हैं देश के, ये लोग देश के भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्यों ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं देश का, ये विचारधारा कितने समय से चलती आ रही है। पहले भारत का टुकड़ा हुआ, पाकिस्तान बन गया, फिर बांग्लादेश बना, मतलब और कितने टुकड़ा करना चाहते हैं आप लोग जी। अखंड भारत था एक जमाने में, आर्यावर्त कहते थे, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत वर्षे भारत खंडे, इस तरह से कहा जाता है, जो हमारे पूजा पाठ में इस तरह के श्लोक भी पढ़े जाते हैं। यह हमारी ऐतिहासिक गौरव की झलकी है संस्कृत के शब्दों में। जो हमारे मित्र ने कहा अभी कि टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कहाँ से आई, आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, ये गैंग
किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं है, इनके पास विचार ही नहीं है, जो राष्ट्रवादी नहीं है वो कहीं नहीं है, ये कहीं पीछे से आयोजित है, ये स्पॉन्सर्ड है टुकड़े टुकड़े गैंग। और ये बात जो उन्होंने कहा हर घर से अफजल निकलेगा, शर्म की बात है। देखिए साहब, मैं एक बात कहता हूँ कि वो कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा, मैं कहता हूँ हर घर से एक ऐसा जवान निकलेगा जो शायद ऐसे अफजल को निकलने ही नहीं देगा। बहुत अच्छा, बहुत आशा। हम लोग अपना, जब तक हम जैसे लोग बैठे हैं, भगत सरदार भगत सिंह ने कहा था कि जब तक मैं बैठा हूँ ना, तब तक मैं माँ अपना जो माँ भवानी है, धरती माता है, उसको मैं आँच तक नहीं आने दूंगा। किसी भी रावण को उसके आँचल पर मैं हाथ नहीं रखने दूंगा, जो हमारी माँ भारती है। तो हमारे देश में जब तक ऐसे संस्कार जीवित हैं, और अब तो खैर आप देख ही रहे हैं संस्कार ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पूरा प्रमाण आपके सामने है, और आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ में जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, दोबारा से राष्ट्रवाद अपने लेवल पे, और सेकंड पार्ट टू आएगा अभी, और मेरे को नहीं लगता कि शायद ये यू टर्न हो पाएगा देश में अब ये राष्ट्रवाद का। नहीं, राष्ट्रवाद का कारवां तो बढ़ता ही रहेगा। और एक नजर हम लोग डाल लेते हैं अभी तक के रुझानों पर। 305 है एनडीए के साथ, 305 सीटों पर एनडीए आगे है, यूपी 117 पर है, और 99 सीटों पर, यह बड़ी हैरानी की बात है, 99 सीटों पर अन्य। इसका मतलब जैसे अभी आप बातचीत मेरी आपसे हो रही थी, आपने कहा अन्य का और यूपीए का दूसरे नंबर पे इनका आपसी कांटे का टक्कर है, आपसी मुकाबला है। देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया है कि ये जो लड़ाई जो है ना, वो एक्चुअली यूपीए और अन्य के बीच में सेकंड नंबर को लेकर है, कि सेकंड नंबर पे अन्य आएंगे या कांग्रेस आएगी। अच्छा, मैं यूपीए भी नहीं कहूंगा, मैं कांग्रेस ही कहूंगा, क्योंकि यूपीए के अंदर भी अन्य के ही कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो बाद में अन्य में भी आ जाएंगे या अन्य से उसमें जा सकते हैं, तो उसमें कोई इतना हैरानी वाली बात नहीं है। और इसमें कुछ अन्य के अंदर वो भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से भी रूठे हुए हैं, जो वापस भी आएंगे, अपने घर वापसी भी करेंगे। क्या बात कही। तो वो मेरे ख्याल से अपने में, अभी जैसे 10 बजी है, तो मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं 542 में से 520 का रुझान आ चुका है, तो मुझे लगता है कि 10:30-11 बजे तक ये थोड़ी और पृथक पिक्चर होने शुरू हो जाएगी। आपकी सोच को सलाम करूंगा, क्योंकि ये सोच राष्ट्रवाद की सोच है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही मोदी की सोच है। आपने एक अच्छी सी बात कही, जिसकी वजह से मुझे ऐसा कहना पड़ा, आपने कहा कि घर वापसी होगी उन लोगों की जो बीजेपी से रूठ के गए हैं। ये हमारी सकारात्मकता है, दुश्मनी का भाव, वैमनस्य का भाव, वैर भाव, शत्रुता का भाव हम नहीं रखते। हमारे भाई रूठ गए, वापस आएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा जी गए, कई लोग गए, किसी से कोई समस्या नहीं, उन्हें बोध होगा, आत्मबोध होगा, वापस आएंगे। हम जो अभी आपने कहा समस्या, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, क्षमा करना, समस्या जो है ना हमारे सरदार सिद्धू जी के लिए। अब वो क्या हो गया उनके लिए कि अगर आप देखेंगे कि पहले वो भाजपा में थे, भाजपा में रहते रहते उन्होंने राहुल गांधी जी को पप्पू बोल दिया, सोनिया जी को मुन्नी जी, मुन्नी बाई बोल दिया, पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, अपशब्द बोले। फिर उसके बाद उन्होंने, नहीं मनमोहन जी के लिए भी बोला कि ये सरदार असरदार ही नहीं है, ऐसा कुछ शब्द बोले। फिर मनमोहन, फिर ये कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आकर बोला कि ये सरदार भी है असरदार भी है, ठीक है। सोनिया जी के इन्होंने पैर भी छू लिए, इन्होंने राहुल गांधी जी को अपना नेता भी मान लिया, और अब राहुल गांधी जी के लिए बैटिंग भी कर रहे हैं उनकी टीम से ये। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि पंजाब में अरमिंदर सिंह जी ने क्या कह दिया, कैप्टन है कि भाई मैं ये क्या नाम है, मुख्यमंत्री की सीट लेना चाहते हैं ये। तो मुख्यमंत्री की सीट लेना चाहते हैं, तो अब वहां पर भी अपना झगड़ा जो है इनका शुरू हो चुका है, और अब ये नहीं समझ आ रहा नवजोत सिंह सिद्धू जी के लिए, पाजी के लिए, कि पाजी अब जाएंगे किधर, ना इधर के ना उधर के, अब वो अन्य में जाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही अपना अस्तित्व खो बैठे। मुझे लग रहा है कि उनको राजनीतिक जीवन अब अपना त्यागना पड़ेगा। जी जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब जिस कांग्रेस में वो बीजेपी की बेइज्जती करके पहुंचे हैं, और अभी भी वहां से बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं, उसी कांग्रेस जो बेइज्जतों के निकाला ना जाए, ऐसी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि उनकी हरकतें तो वैसी हैं। हम ये बात कहना चाहेंगे कि 10 बज रहा है, 8 बजे से मतगणना शुरू हुआ है, जनादेश के रुझान नजर आने लगे हैं। 2 घंटे में 300 के पार, आपके बाहर 300 के पार वाला जो नारा, तो 2 घंटे में हमें लग रहा है आप ये देखें, 2 घंटे में 300 के पार हो गया। और एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने वाली यह है कि इसमें 34 माइनस दिखा रहा है एनडीए को। जी जी जी, माइनस 34 दिखा रहा है, और उसके बावजूद ये 304 पर है, 338। और अगर ये 34, अगर मैं कहता हूँ 34 में से अगर ये 15 या 20 भी वापिस आ जाते हैं, तो आपके सामने प्रत्यक्ष चीज है आपके सामने कि किस तरीके से एनडीए का प्रचंड बहुमत से अपना सरकार, मोदी जी अपना दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि ये पहली बार ऐसा होगा देश में कि जो इतने बड़े मैंडेट के बाद दोबारा रिपीट होगी गवर्नमेंट कोई इतने बड़े मैंडेट के साथ में।
बहुत ही, मेरे ख्याल से विश्व में भी ऐसा कम ही देखने को आता है। और आप निफ्टी देख लीजिए, आप जी जी स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, जी हाँ बिल्कुल, कल वो से अभी से रुझानों के हिसाब से वो अपना इतना ऊपर चला गया है। एग्जिट पोल आए उसके अगले दिन देखिए बहुत खुल करके खुला है और ऊपर बढ़ा है। एक बात आपने जो कही उस पर मैं आपका ध्यान फिर से अपने दर्शकों के लिए आकर्षित करना चाहूंगा, सर्वोत्तम संस्कार राष्ट्रवाद आपने कहा। हमारे देश में गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारे कुछ भाई जमुनी संस्कृति से, हम गंगा संस्कृति से, हालांकि हम सब एक ही है। हमारा ये मानना है कि क्या उनके लिए भी राष्ट्रवाद उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जो जमुना संस्कृति को का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए सुमन जी, ये हम लोग कह देते हैं बहुत आसानी से कि ये गंगा और जमुना जी। मैं इनको अलग नहीं मानता जी। ये लोग हम लोग एक ही समुद्र की बूंदे हैं। बहुत जो जितनी नदियां वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, हम उसी समुद्र के पंथ हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रवाद जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है। ठीक है, ऐसे कई तत्व, देखिए तत्व ऐसे होते हैं, कई शरारती तत्व होते हैं जो कि माहौल को बिगाड़ते हैं, जो कि जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं समाज के अंदर। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उन शरारती तत्वों को बाहर निकालना है, जो कि कार्य शुरू हो चुका है 2014 से। अगर आप देखेंगे कार्य शुरू हो चुका है वो चीज़, चाहे वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही कम्युनिटी के हैं, वो हर कम्युनिटी में होते हैं ऐसे जी। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक ही मज़हब के हैं या एक ही धर्म के होंगे, नहीं, हर धर्म हर मज़हब में ऐसे शरारती तत्व अवश्य होते हैं जिनको साइड किया जा रहा है, जिनको समझाया जा रहा है कि भैया राष्ट्रवाद तुम्हारे लिए अहम है, भारत देश तुम्हारे लिए अहम है, यदि आप उस पर चलना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपने अपनी लाइन पकड़ रखी है, कट्टरपंथी वाली लाइन पकड़ रखी है, तो आप उस तरीके से आपसे डील किया जाएगा। और आप देखेंगे कि ये चुनाव भी आप देखेंगे कि विकास, सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी ने नारा दिया था, उसी की वजह से आप देखेंगे कि विकास